हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक जी दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्ट इनू के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे वॉल्ट इनू के ऊपर क्या क्या हालात देखने को मिले, क्या क्या चीजें देखने को मिली, वॉल्ट इनू किस तरह मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्ट इनू के गेम के ऊपर स्पेशली बात करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें वॉल्ट इनू के ऊपर ही होने जा रही है। तो सबसे पहले कि मैं अपनी वॉल्ट इनू की वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, रिक्वेस्ट यू आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जल्दी जल्दी जाइए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि वॉल्ट इनू हो, इशू इनू हो, व्लॉग इनू हो, कोई भी कमेंट उनके रिलेटेड, कोई भी अपडेट निकल गया है, कोई भी न्यूज निकल गया है, कोई भी कंटेंट निकल गया है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीजों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई वॉल्ट इनू की जो प्राइस चल रही है, जो रैंकिंग चल रही है 723 नंबर प्राइस की बात करें तो 0.60 के बाद उसकी जो प्राइस है 275496 और ये 4.4% बढ़ चुका है। बीटीसी के हिसाब से 2.7% और इथेरियम के हिसाब से 3.6% जो बढ़ चुका है। वैसे अगर देखा जाए तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 91% डाउन है, जो उसने अप्रैल 26 2022 को बनाया था। ये एनुअली इस साल भी 71% डाउन जा चुका है, 30 दिनों में भी 31% डाउन जा चुका है, 14 दिनों में भी ये 10% जो है वो डाउन जा चुका है। उसके साथ अगर देखा जाए मार्केट क्या रहा, तो भाई हमारा PNB $245 पे चल रहा है, इथेरियम की बात कर लो $81 पे चल रहा है, $29,408 पे हमारा बिटकॉइन चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल मार्केट जो हमें फेयर में देखने को मिलेगी, सॉरी उसके साथ यहाँ पे मैं बात करूँ तो भाई मार्केट सॉरी हमें न्यूट्रल में देखने को मिले। तो मार्केट आज हमें न्यूट्रल में देखने को मिले 53 स्कोर के साथ, ये कल भी 53 स्कोर के साथ न्यूट्रल थी और लास्ट वीक 51 स्कोर के साथ न्यूट्रल थी। लेकिन लास्ट मंथ की बात करें तो भाई 62 स्कोर के साथ हमें ग्रीडी कंडीशन में भी जो मार्केट थी वो देखने को मिली। तो भाई ये हो गए मार्केट के हालात, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के हालात। अब बात करें क्या क्या न्यूज हमें देखने को मिल रही है फेयर वॉल्ट इनू में। तो भाई यहाँ पे वॉल्ट इनू ने अपनी गेम को लेके कुछ अपडेट्स इन्होंने कुछ वक्त पहले रिलीज की थी, जिसमें इन्होंने ज्यादा मैप लेके आए थे, डेथ मैच लेके आए थे, NFTs की इंटीग्रेशन लेके आए थे, इस तरह के इवेंट लेके आए थे। और ये आए दिन सोशल मीम्स वगैरह देखते रहते हैं और अपनी गेम को लेके ये काफी सारी जो चीजें होती है वो शेयर करता रहता है वॉल्ट इनू। तो भाई ये अभी इसका जो मेन फोकस है वो अभी इसकी गेम के ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैसे भी और सारी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कहता है मैं पीपल्स क्रिप्टो हूँ, इनके इकोसिस्टम है। वोल्टी एक्सचेंज हमें देखने को मिली, VSDC देखने को मिलेगा, वोल्टी गैम्स है, वोल्टी फ्लैक्स है, वोल्टी इको, तो ये बड़ा इनका है जो इन वोल्टी इको में हमें AI बेस्ड जो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भाई यहाँ पे इसका जो इकोसिस्टम है हमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर जो है जो काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ने इसको जो न्यूज साइट्स ने इसको फीचर किया है, investing.com है, NASDAQ है, क्रिप्टेला है, ब्लूमबर्ग है, तो ये बड़ी बड़ी वेबसाइट ऑलरेडी इसको जो है प्रोमोट करती रहती है, PSE न्यूज़ वगैरह पे भी हमें देखने को मिला। तो ये करंटली जो है इनके पार्टनर हैं USA में, ETA, PDA, शॉपिंग है, नाव पेमेंट से, OKC है, बहुत बहुत बड़ा वॉलेट, FCFP है, जिसकी मदद से आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी गेम के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई यहाँ पे ये देख सकते हैं इसकी गेम है जी बिल्कुल, यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली स्ट्रीम के ऊपर अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं, इसको बाय भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे इस तरह का इनका बिल्कुल एक RPG जिस तरह का है, PUBG की तरह जो गेम होती है, तो उस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वॉल्ट इनू में, जिसमें आप लैंडिंग करते हैं, अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वॉल्ट इनू की गेम के अंदर। तो भाई यहाँ पे वॉल्ट इनू काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली अपनी गेम को लेकर, ये नई नई अपडेट्स लेके आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी वॉल्ट इनू की गेम वगैरह खेल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि छोटी मोटी सी बातें थी वॉल्ट इनू को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो भाई मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।